हेलो, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रेखा ब्लॉग्स में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। देखिए, ये ऑफ़िस निकल चुके और अब ऑफ़िस जाने के बाद मैं कर रही हूँ घर के काम। घर के कामों में आज तो मुझे बहुत ही एक्स्ट्रा काम करना है, क्योंकि मैंने सोचा है, देखिए इतनी भारी काम मैं अकेले ही करने के लिए तैयार हो गई हूँ। कोई मेरा हेल्प कराने के लिए नहीं है, क्योंकि इस समय घर में कोई भी नहीं है। अब ये ऑफिस ही चले गए, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं इन कामों को लेकर के बैठ गई। और ये है कि पता नहीं अचानक से मेरे माइंड में आया कि मैं इसे, ये जो चौकी मैंने इधर के साइड से लगाया है, तो इस साइड से मैं ना लगा करके उसको, जो खिड़की दिख रही है ना, खिड़की के सामने से मैं लगाऊं। तो मेरे अंदर ये चीज़ है कि मेरे माइंड में अगर कुछ बातें आ जाती है तो मैं फिर सोचती हूँ कि मैं उसे फटाफट कर लूँ। अभी ये नहीं होता है कि मैं आज मैंने सोचा तो अब 2-4 दिन बाद मैं करूँ। तुरंत मेरे दिमाग में आता है और पता नहीं मुझे बेचैनी सी हो जाती है। जब तक मैं उन कामों को करती नहीं हूँ तब तक मुझे चैन नहीं मिलता है। इसलिए मैंने तुरंत जाने के बाद अकेले ही सारे कामों मैं लग गई अब। और देखिए, मैं चौकी उधर से इधर अकेले कैसे दिमाग लगा करके मैंने दोनों चौकी को इधर ला करके मैंने शिफ्ट कर दिया। और इधर से मैं सोफे को हटा करके मैं इस साइड करूँगी। और इस साइड रखने के लिए देखिए, मैं झाड़ू लगा करके पहले अच्छे से इसे साफ़ कर ले रही हूँ, ताकि फिर से मैं इधर सोफ़ा लेकर के आऊँ तो फिर दिक्कत ना हो झाड़ू लगाने में। इसलिए मैं पहले इसे साफ़ करके उसके बाद से मैं इधर सोफ़ा लाऊंगी। एक काम बस छेड़ने को होता है जी। एक काम को अगर छेड़ दो किसी भी काम को, तो फिर वो 50 काम अपने आप ही निकल आते हैं। फिर उन कामों में इतने टाइम लग जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि कब टाइम निकल गया। और एक ही काम में फंसे हम रह जाते हैं। हम सोचते हैं कि पहले कोई काम करना कितना आसान होता है, 10 मिनट में कर लेंगे, लेकिन जब उस कामों में आदमी लग जाता है तो 2 घंटा 3 घंटा उस काम में लग जाता। इसी तरह से मैं सोची कि मैं 10 मिनट में मैं ये काम को निपटा करके मैं अपना दूसरा भी काम करूँगी, लेकिन जब मैं इस कामों में लग गई तो मतलब बहुत समय मुझे इसमें लग गया और पता ही नहीं चल रहा था। देखिए, मैं यहाँ पे सोफ़ा लगाने को तो लगा दी, लेकिन ये टेबल लगाने में कंजस्टेड होने लगा। अब बिल्कुल टेबल भी हट गया है, लेकिन किसी के आने जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो फिर यहाँ पे फिर सही नहीं बैठ रहा है। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसे क्या करूँ। तो फिर अब सोची कि पहले, चलो पहले बेड तो सेट हो गया है, बेड को मैं अच्छे से पहले कर देती हूँ, उसके बाद फिर से मैं ये सोफ़े के बारे में सोचती हूँ, सोफ़े को किधर करना है। देखिए जी, मैंने कॉर्नर में से भी सोफ़ा को हटा दिया, मुझे वहाँ पे फिट ये नहीं बैठ पा रहा था। सोफ़ा तो अट जा रहा था, लेकिन ये सेंटर टेबल जो है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा था, कंजेस्टेड वहाँ भी हो रहा था। तो फिर मैंने इधर बैक साइड में खिड़की की तरफ देखिए, ये जो बेड से बिल्कुल भी सामने की तरफ में मैंने यहाँ सोफ़े को लगा दिया।
और यहाँ फिर ये सेंटर टेबल, यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस है, आने जाने में रास्ते में भी नहीं पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे ये इसका सही जगह हो रहा है। और टेबल को मैंने यहाँ लाइट के पास ला दिया, देखिए अब जा कर के मेरा माइंड सही हुआ, क्योंकि अब जा कर के मेरा रूम सही हो गया फाइनली। उसी समय से तब ने दिमाग लगाते लगाते कि किसको किधर करूँ, कहाँ करूँ, क्या क्या अच्छा लगेगा। हम महिलाओं का यही है जी, एक सामान अगर एक जगह रख दो ना तो फिर, या मैं सबकी नहीं जानती हूँ, मैं अपनी जानती हूँ, अगर ज़्यादा दिन तक चीज़ें उसी जगह पर रहती है ना तो फिर मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कि इसे अब यहाँ से हटा करके दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं, वहाँ रखेंगे तो इससे ज़्यादा अच्छा लगेगा, या फिर वहाँ से हटा करके कुछ दिन बाद मैं उसे दूसरे जगह लगाती हूँ। ऐसे करते मतलब मैं चीज़ों को मैं इधर से उधर करती रहती हूँ, थोड़ा लुक चेंज होता रहता है तो फिर घर का माहौल भी चेंज होने लगता है, अच्छा लगता है। अभी ये रूम जा करके मेरा फाइनली फिट हो गया। अभी ये देखिए, अब यहाँ पर मैं झाड़ू उड़ू लगा करके इसे साफ़ कर दूँगी अच्छे से। उसके बाद से ये जा करके अब ये देखिए, टेबल भी यहाँ सही जगह पर आ गया। मेरे इतना मेहनत करने का सही मतलब ये था कि ये जो टेबल था बच्चों के पढ़ने वाला, इसको हटा करके मैं यहाँ लाइट के सामने मैं रखना चाहती थी, क्योंकि ये उस कोने में जब रहता था ना तो बच्चे जब थोड़ा भी, एक तो उस पर पढ़ाई करते नहीं थे। क्योंकि अब मेरे रूम का फाइनल लुक देखिए, इतने मेहनत के बाद मेरा रूम तैयार हो गया। इस साइड से दरवाजे के तरफ से देखिए बेड कर दिए, और इस साइड बच्चों का टेबल आ गया, क्योंकि इधर देखिए इधर ही लाइट है तो बिल्कुल सामने सामने रहेगा, तो कुछ भी पढ़ाई वढ़ाई करेंगे सब तो दिखेगा, ऐसे आंखों पे जोर पड़ रहा था। इस साइड था तो बहुत ज़्यादा आंखों पे जोर पड़ रहा था, तो बच्चों के लिए छोटी छोटी बातें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और इस साइड मेरा टेबल हो गया और ये सोफ़ा हो गया, ये इधर बेड की तरफ लगाए थे तो फिर ये सेंटर टेबल लगाने की में ही दिक्कत हो रही थी, इसके लिए जगह अच्छे से नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैंने इस साइड कर दिया इसको। देख लीजिए, यहीं बगल में मेरा मशीन भी है, मैं यहाँ सिलाई करती हूँ खिड़की के पास। और यहाँ से देखिए पूरा, तो कैसा लगा मेरा रूम कमेंट कीजिएगा। सुबह से बहुत मेहनत की है इसके लिए हम। क्या हुआ है बुलबुल? ये वाली मैम बिल्कुल अच्छी नहीं आई, ये वाली मुझे चलाती नहीं है कुछ भी लाइटिंग। क्यों रो क्यों रही हो? ये मेरी लिए वाली लाइटिंग। हाँ क्या नहीं हुआ है बताओ? राइटिंग मुझे समझ चलाती नहीं है मैम, ये वाली कौन सी राइटिंग? ये वाली कर्सिव लेटर। हाँ मैं बताऊँ? हाँ क्या हुआ है? अच्छा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हेलो गाइस, तो देखिए यहाँ बुलबुल का मूड आज खराब हो गया है, पढ़ाई में पनिशमेंट मिली है, पढ़ाई में पनिशमेंट मिली है तो बहुत रो रही है आज ये, क्योंकि कल राइटिंग का कंपटीशन है, तो ये इसका कहना है कि मैम मुझे राइटिंग लिखवाएं, बोल बोल करके मुझे राइटिंग लिखवाए और ये क्वेश्चन आंसर लिखवा रही थी, तो इसकी वजह से ये परेशान हो रही थी कि मैम मुझे राइटिंग नहीं लिखवा रही है तो मेरा कंपटीशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। और वो क्वेश्चन आंसर लिखवा रही थी कि मैं क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगी तो भी इनका राइटिंग का ही काम आएगा, तो ये छोटी है इसको समझ नहीं आ रही थी इसलिए ये बहुत रो रही थी। चलिए कोई बात नहीं, बच्चों का इतना होता रहता है, कभी हंसना कभी रोना, पढ़ाई में लगी रहती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और हमारे चैनल को पूरा देखा कीजिए, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आजकल फिर से सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए जो लोग भी इन वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो में थोड़ा ठक ठक की आवाज़ आ रही है, इसे इग्नोर कीजिएगा क्योंकि पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। चलिए फिर आप लोग अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।